Hello students, good morning. Today we are talking about the last part of the miscellaneous exercise 2, okay? तो आज हम देखते हैं question number 13 से question number 17 तक, clear? तो last time हमने question number 12 तक कर लिए थे, देखते हैं question number 13, ठीक है? तो question number 13 में आपके पास क्या बेटा, देखिए, solve for x, आपको x की value यहाँ पे find करनी है, you have given a equation, ठीक है? आपके पास एक equation given है. ठीक है, तो अब सबसे पहले देखिए बेटा, यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 tan inverse of cos x. ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखते हैं, 2 tan inverse of cos x is equal to tan inverse of 2 cos x. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अपने पास tan inverse है और यहाँ पे 2 tan inverse है, तो सबसे पहले हमें ये 2 को हटाना है जिससे हम tan इनवर्स को कंपेयर कर पाए. तो देखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, ठीक है, tan इनवर्स 2x. ठीक है, हम क्या करते थे, देखिए हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 से चल रहे हैं ना हम, ठीक है, ठीक है, तो हम यहां पे बात कर रहे थे देखिए कन्वर्ट करने का. देखिए tan इनवर्स से हम 2 tan इनवर्स से साइन में भी जा सकते हैं, कॉस में भी जा सकते हैं, tan में भी जा सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने पास क्या है, यहाँ पे tan है, tan इनवर्स है, तो इसलिए हमें tan इनवर्स वाले फॉर्मूले में जा रहे हैं ये चीज को ध्यान रखते हुए. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला रहता था 2 tan इनवर्स x का. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 tan इनवर्स ऑफ x की जगह अपने पास क्या है, cos x है, इस x की जगह पे क्या है बेटा, अपने पास cos x है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे x की जगह cos x आ जाएगा और यहाँ पे भी cos square x आ जाएगा. ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दें तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ क्या, 2 इंटू cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos square x. समझ में आ रही बात, क्या किया मैंने, cos सॉरी tan 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा दिया. ठीक है, ये ठीक है, मतलब x की जगह अपने पास cos x था, 2 tan इनवर्स x ये होता है, तो 2 tan इनवर्स जो भी यहाँ पे होगा x की जगह पे वो x से रिप्लेस हो जाएगा, तो हमने इसकी जगह पे x की जगह पे 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख दिया. अब देखें यहाँ भी tan इनवर्स, यहाँ भी tan इनवर्स, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हम ये और ये लिखते हैं डायरेक्ट. तो देखिए ये हो जाएगा 2 cos x और 1 माइनस cos x, cos स्क्वायर x क्या होता है, sin स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर x इज इक्वल टू बचेगा 2 cos x, 2 से 2 तो देखिए यहीं पे खत्म हो गया, और इस साइड cos x है तो मैं क्या करूँगा, इसको cos x और cot में बना देता हूँ. देखिए इसको मैं लिख दूँ cos by sin, cos x by sin x into एक sin नीचे बचेगा तो उसको हम ऐसे लिख देते हैं is equal to cos x. ठीक है, तो देखिए ये cos x तो ऊपर एक ही बार था ना, नीचे sin 2 था, तो एक मैंने cos के नीचे sin लिख दिया, एक इसके नीचे sin लिख दिया, तो ये क्या बन गया बेटा, cot x और ये बन गया cos x is equal to cos x. ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये तो ट्रिग्नोमेट्री है बेटा. ठीक है, अब देखिए मैं इसको एक साइड करूंगा क्योंकि मुझे सॉल्व करना है x के लिए, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस साइड लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, cot x cos x माइनस cos x इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो कॉमन आ गया cos x कॉमन है, तो cot x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो देखिए या तो दो चीजों का प्रोडक्ट 0 होता है, तो या तो ये वाली चीज 0 या ये वाली चीज 0, तो यहां से हो जाएगा cos x शुड बी इक्वल टू 0 और cot x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से तो cot x क्या आ गया बेटा 1. ठीक है, cot x 1, तो cot x 1 cot पे कब होता है बेटा, cot pi by 4. ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, pi by 4 आ गई. क्लियर, तो x की वैल्यू आ गई पाई बाई 4 यहां से. ठीक है, और इससे क्या आ गई, अब मुझे ये बताओ cos x 0, सोचो कुछ सोचो, cos x में कभी 0 आता है, cos x की वैल्यू
कॉस एक्स की दो रेंज जो बेटा वो क्या होती है, वो आर माइनस माइनस वन टू वन यही होती है ना। यानी उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता था, याद है आपको, ये वन ये माइनस वन होता था, तो यहां से और यहां से तो ऊपर ही रहता है, ऐसे कुछ ऐसे रहता था, ठीक है ऐसे। तो यहां पे इसके बीच में वैल्यू ही नहीं आती है इसकी, तो जीरो तो यहां रह गया, तो यानी कॉसेक एक्स तो कभी जीरो आ ही नहीं सकता, ठीक है। कॉसेक एक्स तो कभी जीरो ही नहीं आता है, ठीक है। और वैसे देखो इसको चाहे ऐसे लिख लो, चाहे आप ऐसे लिख दो, इसकी मोड एक्स जो है ग्रेटर देन वन रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब भी यही हुआ, ठीक है, कि इसमें से वो वाली चीजें हटा दो जो कि वन और माइनस वन के बीच में रहेगी, ठीक है। यानी ओपन इंटरवल हटाना है, ठीक है। वन और माइनस वन तो हो सकती है इसकी वैल्यू, लेकिन इसके बीच में नहीं आएगी, इधर नहीं आएगी, तो जीरो तो कभी नहीं आएगी ना। कॉसेक एक्स जीरो इज नॉट नॉट पॉसिबल। तो इसमें लिख देंगे सिंस रेंज ऑफ कॉसेक एक्स इज आर माइनस माइनस वन टू वन, सो कॉसेक एक्स इज इक्वल टू जीरो इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसका मतलब फाइनल आंसर हमारा क्या आया, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर, ठीक है बेटा, समझ में आ रही है बात, ठीक है। एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर आ गया, तो हमने पास एक्स की वैल्यू निकाली थी, सॉल्व फॉर एक्स बोला था। तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, यस, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स क्या था, एक मिनट चेक करते हैं, टेन इनवर्स क्या था, यस, टेन इनवर्स वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स इज इक्वल टू हाफ टेन इनवर्स वेयर एक्स ग्रेटर देन, ठीक है, ये गिवन है, ठीक है। तो देखिए बेटा आपके पास इसमें भी बोला सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे टेन इनवर्स, यहाँ पे भी टेन इनवर्स, ठीक है। लेकिन इसको हम और कैसे कर सकते हैं, इस टू को यहाँ पे हटाएंगे तो ये टू को इधर ले आओ, ठीक है। देखते हैं ये क्या बन जाएगा, टू टेन इनवर्स वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या रह गया यहाँ पे, टेन इनवर्स एक्स। मैंने टू को कहाँ ले आया, इधर, जिससे मेरा ये फॉर्मूला बन गया। देखिए यहाँ पे टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए इसको करने के बहुत बहुत अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। इसमें बच्चे कई बार ऐसे भी करते हैं, टेन इनवर्स इसको यानी पाई बाई फोर की जगह रिप्लेस कर देते हैं, पाई बाई फोर रिप्लेस कर देते हैं, फिर टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला भी यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बना देते हैं इसको, कैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे को जो अच्छा लगा मैंने उसको अडॉप्ट कर लिया, इस टू को यहाँ पे मैं रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो अब सिर्फ मुझे क्या लगाना है, टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाना है, जो कि अभी अभी हमने लिखा था। देखिए टू टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, टेन इनवर्स ऑफ क्या, टेन में ही रहना है तो टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही होता है। तो इसको हम साइड में हमेशा लिख देंगे जहां भी यूज करेंगे, और देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, टू टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स की जगह पे क्या है, ये पूरा, तो अब एक्स की जगह पे ये पूरा आएगा, ये पूरा, तो बोलिए टू इंटू दिस वन, ये वन माइनस इसका स्क्वायर, वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो अब देखिए इधर टेन इनवर्स, इधर टेन इनवर्स, अब मैं इसको एक्स के इक्वल लिख सकता हूँ, ठीक है, टेन इनवर्स नहीं लिखूंगा, अब सीधा मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए बेटा यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, टू इंटू वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, नीचे वन प्लस एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा,
ठीक है, तो यहां हो जाएगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस, यही यहां पे आ जाएगा, एलसीएम लिया ना 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, तो यही यहां पे आ गया माइनस ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स, ये वाला, ठीक है, ये चीज जो है इसके बराबर आएगी, टेन इनवर्स नहीं रहा। अब देखिए ये इससे कट गया, इधर स्क्वायर था 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स से ये कट गया। अब देखते हैं क्या बचा, 2 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ये 1 प्लस एक्स कहाँ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ऊपर और डिनोमिनेटर में ये वाला चीज रह जाएगी, तो इसका ओपन कर देते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस, बोलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स, और ये हो जाएगा 2 ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया ऊपर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स, साइन ओपन करेंगे तो माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। तो देखिए बेटा क्या क्या कट गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अपने पास वैल्यू जो आई वो आ गई ऊपर से 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे बचा क्या, 2x प्लस 2x 4x, यही आया अपने पास 2x प्लस 2x, तो ये हो जाएगा 2 से ये 2 कट गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक है, यही आया अपने पास, 2 से ये कट गया ना, ठीक है, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये x स्क्वायर वहां चला गया तो प्लस का हो गया, और इधर से x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 1 बाई 3, और यू कैन से x इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई रूट 3 आ जाएगा, ठीक है, यहां से x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1 बाई रूट 3, ठीक है, आंसर तो ये आ गया, x की दो वैल्यू आ गई। बट ये भी चीज देखा करो बेटा, थोड़ी सी झलक देख लिया करो बस, x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 मतलब यहां पे माइनस का साइन हटा दें इधर, ठीक है, तो इधर लिख देंगे सिंस x ग्रेटर देन 0, ये चीज हम मेंशन करेंगे कि x तो क्या है पॉजिटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव वैल्यू को क्या कर देंगे यहां से रिजेक्ट, ठीक है, तो दिस थिंग इंप्लाइज x शुड बी 1 बाई रूट 3, हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है बेटा, तो दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, x की वैल्यू अपने पास 1 बाई रूट 3 आ गई, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 अब, क्वेश्चन नंबर 15 पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, आप बीच में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, पॉज करके वीडियो को, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 15 चेक करते हैं, अच्छा साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, वेयर मोड एक्स लेस देन 1 इज इक्वल टू, एमसीक्यू है बेटा 15 16 17 तीनों एमसीक्यू है, ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है, ए दिया है एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बी दिया है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, सी वैल्यू है 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी की जो वैल्यू है, डी है आपके पास एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स प्लस एक्स बाई अंडर रूट, ये चार में से कौन सा आंसर इसमें करेक्ट होता है ये आपको चेक करना बेटा, देखिए तो आपके पास सोल्यूशन करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स है अपने पास, ठीक है, यहां साइन है यहां टेन इनवर्स है, तो अगर बाहर साइन है तो बेटा यहां भी आपको क्या लाना पड़ेगा, साइन लाना पड़ेगा, ठीक है, और साइन लाने के लिए हम हमारे पास क्या पता है, हमें कन्वर्जन पता है, तो कन्वर्जन क्या कर सकते हैं हम यहां पे क्या करते थे, याद है आपको ट्राइंगल वाला काम करते थे, थीटा करते थे, तो इस टेन इनवर्स एक्स को हम क्या पुट करते थे, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स,
तो टेन थीटा अपने पास हो जाता था एक्स, ठीक है। तो इसके नीचे वन लगा सकते हैं हम, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, पी अपॉन बी, तो ये हो गया एक्स, ये हो गया वन, ठीक है। पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये कर दिया आपने। अब अपने को टेन थीटा से किस में जाना था, साइन थीटा में जाना है। तो देखिए बेटा साइन थीटा यहाँ से क्या बनेगा, साइन होता है पी अपॉन एच, तो एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर आता है, ठीक है। दिस अपॉन दिस, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये फर्स्ट हो गई हमारी, ये सेकेंड हो गई, तो ये वाली चीज किसके इक्वल हो गई, इसके इक्वल हो गई। तो यानी अपने पास टेन इनवर्स एक्स क्या बन गया, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है। बाई फर्स्ट एंड सेकेंड यूज करके हमने क्या किया, इन दोनों को इक्वेट कर दिया और इसकी वैल्यू ये निकाल दी। तो यहां पे आप पुट कर सकते हैं इस वैल्यू को, साइन इनवर्स क्या एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और देखिए साइन साइन इनवर्स अब कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये वाली वैल्यू रह जाएगी एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब देख सकते हैं आप इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा था, डी ऑप्शन था। ये देखिए ये डी ऑप्शन आ गया इसका, ठीक है। लेकिन आपको ये भी देखना है, पता है साइन इनवर्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स कब होता है ऐसा, जब अपने पास इसकी जो वैल्यू रहती है माइनस वन टू वन रहेगी, ठीक है, माइनस वन से वन के बीच में, ठीक है। तो माइनस वन से वन के बीच में रहेगी तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब भी क्या होता है ही अपने पास ये चीज, देखिए मोड एक्स लेस देन वन का मतलब क्या हुआ, एक्स जो है वो वन से छोटा होगा और एक्स जो है ग्रेटर देन माइनस वन, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ, लेस देन वन का मतलब हुआ एक्स जो है वो एक्स किसके किसके बीच में रहेगा, माइनस वन और वन के बीच में रहेगा, इसका मतलब यही हुआ। क्योंकि मोड एक्स जो है वो वन से छोटा छोटा रहेगा, क्योंकि मोड एक्स इधर तो क्या हो जाएगा एक्स से बड़ा, वन से बड़ा हो जाएगा, इधर भी एक्स से बड़ा बड़ा हो जाएगा मोड एक्स। जब आप नेगेटिव का मोड लेंगे तब भी वो वन से बड़ी देगा, इधर भी मोड एक्स जो है यानी वन से बड़ी कोई भी वैल्यू आप डालेंगे यहाँ पे उसका मोड जो होगा वो क्या होगा, वन से बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब मोड एक्स अगर लेस देन वन है तो इसका मतलब कोई भी वैल्यू यहाँ पे चाहे नेगेटिव डालें, चाहे आप इस साइड नेगेटिव डालें, चाहे इस साइड पॉजिटिव से डालें, तो उसका मोड एक्स जो है वन से छोटा रहेगा इस वैल्यू पे, इस रेंज पे। तो ये चीज तो आपको गिवन है, तो ये चीज का ही मतलब क्या है, यही है, ठीक है। और अगर एक्स जो है अगर इससे बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच उसकी रेंज पे ही आ रहा है ये वैल्यू, ठीक है। तो इसको आप ऐसे ही चाहे देखो, क्योंकि हमारे पास तो एमसीक्यू क्वेश्चन था, हमने तो एक आंसर अपने पास आ चुका था, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स जो है वो इक्वल टू एक्स कब होता है, जब एक्स बिलोंग्स टू क्या होता है माइनस वन से वन के बीच में रहे तब, ठीक है। तो इसलिए ये अपने पास डी ऑप्शन आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 16। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, लेट स्टार्ट, कहीं बैटरी कब कंप्लीट तो नहीं हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो अपने पास क्या है, लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16। यस, साइन इनवर्स ऑफ वन माइनस एक्स माइनस टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू फाइव बाई टू, देन एक्स इक्वल टू यानी एक्स क्या क्या होगा। ए ऑप्शन है एक्स विल बी इक्वल टू ए जीरो वन बाई टू, बी है वन वन बाई टू, और सी है अपने पास जीरो, और डी वैल्यू जो है वो हाफ है, ठीक है। तो इनमें से चेक करना है कौन सा आंसर इसमें से आएगा, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इक्वेशन है आपके पास, ठीक है। देखिए बेटा अगर इसको अगर आप इधर से ऐसे करोगे ना, ठीक है, पहले आप टू साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर इधर साइन इनवर्स में आ जाएगा कुछ,
ठीक है, फिर साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई वाला लगाओगे, ठीक है, दो फॉर्मूले यहां से लगेंगे, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, फिर इक्वेशन सॉल्व करोगे तो ऐसे करने से तो दो फॉर्मूले दो तीन फॉर्मूले यहाँ पे यूज हो रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। तो इधर से मैं आपको बहुत ही एक सिंपल तरीका बताऊंगा इसको क्वेश्चन को जल्दी करने का, ठीक है। हम ट्रिग्नोमेट्री, देखिए ट्रिग्नोमेट्री जिसने पढ़ी है ना बेटा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का जो लॉजिक्स हैं वो कभी भी काम आते हैं, है ना, कोई सा भी फॉर्मूला कभी भी काम आ जाता है, लेकिन आपको लिंक होने चाहिए, पता होने चाहिए, ठीक है। आप अगर देखिए कितना छोटा हो जाएगा, अगर मैं इसको एक्स की जगह पे, है ना, साइन वाई अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, ठीक है, इसकी जगह मैं एक्स की जगह क्या कर दूं, साइन वाई, ठीक है, तो मेरे पास ये आंसर जो है बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, देखें कैसे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं पुट एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, और वाई क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, जिसको नंबर 1 दे देता हूं। अब देखिए ये इक्वेशन क्या बन जाएगी अपने पास, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन वाई पुट कर दिया यहां पे, और 2, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स क्या है अपने पास, वाई, तो साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या पुट कर दूंगा, वाई, ठीक है, इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ये हमारी देखिए छोटा हो गया, ये इधर से साइन इनवर्स खत्म हो गया, ये ही रह गया, अब ट्रिग्नोमेट्री में आ जाएंगे हम सारा। तो इस साइन इनवर्स एक्स वाले को तो इधर रखेंगे, बाकी दूसरी तरफ समेट देते हैं, तो 2y को उधर ले जाएंगे, तो पाई बाई टू प्लस 2y हो गया, इस साइड ले जाएंगे। अब देखिए यहां से इस साइन इनवर्स को हटाएंगे तो साइन इधर ले लेंगे, तो 1 माइनस साइन वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस 2y, ठीक है, ये साइन इनवर्स हट गए, देखिए इसका साइन इनवर्स ले लिया तो यहां पे ये साइन चला गया। अब देखिए 1 माइनस साइन वाई, ये तो लेफ्ट साइड एज इट इज, अब साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, याद है आपको साइन पाई बाई टू प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, देखिए पाई बाई टू से जब भी चेंज करेगा तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा, नहीं कॉस आ जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए थीटा पॉजिटिव रहेगा, तो कॉस थीटा आ जाएगा, तो इसको मैं लिख दूंगा कॉस 2y, थीटा की जगह क्या था यहाँ पे 2y था, तो 2y आ जाएगा, ठीक है, और रीजन साइड में यही लिख देंगे साइन पाई बाई टू प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, इससे ये हो गया। अब देखिए दूसरी बात, अब हमारे पास यहाँ तो साइन था, यहाँ कास कॉस आ गया, तो इस कॉस को चेंज करके साइन में ले आएंगे हम, सारा इक्वेशन एक फॉर्म में बनेगी जब भी हमारा काम चलेगा। तो देखिए कॉस 2y यानी कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, कॉस 2 थीटा क्या होता था बेटा, साइन की फॉर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता था या नहीं, कॉस 2 थीटा, तो अब यहां पे थीटा की जगह वाई है तो ये इस तरह से साइन स्क्वायर वाई हो जाएगा, तो कॉस 2 वाई की जगह मैं लिख दूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई, ठीक है, क्लियर है ना, ये चीज आप यहां पे लिख सकते हैं साइड में, ये वाला फॉर्मूला, तो मैंने अभी अभी बोला था ना कोई सा भी फॉर्मूला कभी भी लग जाता है, तो कॉस टू वाई था, देखिए कॉस टू वाई को हम साइन की फॉर्म में ला सकते हैं, ये ले आए, ठीक है, वन से वन कैंसिल हो गया, ये इधर आ गया, तो प्लस का टू साइन स्क्वायर वाई और माइनस साइन वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, लेफ्ट में ले आए सबको, अब साइन वाई कॉमन है, साइन वाई कॉमन है, तो इधर से बचा टू साइन वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो यहां से दो वैल्यू आ जाएंगी, दोनों का प्रोडक्ट जीरो, मतलब या तो पहला फैक्टर जीरो, साइन वाई इक्वल टू जीरो और टू साइन वाई इज इक्वल टू वन, मतलब साइन वाई इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, तो अपने पास देखिए साइन जीरो, साइन जीरो, साइन जीरो क्या था अपने पास, साइन वाई क्या था, साइन वाई एक्स था, हमें तो एक्स की वैल्यू निकालनी है ना बेटा, लेकिन एक्स क्या पुट किया था हमने, साइन वाई, तो इसको दोबारा से रिप्लेस कर दें, ये एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया जीरो, ठीक है, और यहां पे एक्स क्या हो जाएगा वन बाई टू, ठीक है ना, ये साइन वाई ही क्या था, एक्स था ना, तो हमें तो एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो दोबारा साइन वाई को फिर से क्या कर दो, एक्स में कन्वर्ट कर दो, तो एक्स की दो वैल्यू आ गई, एक तो जीरो वन बाई टू, ठीक है,
अब देखेंगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको। जीरो वन बाई टू, दो आंसर आए हैं तो जीरो वन बाई टू, जीरो वन बाई टू। अच्छा इधर थोड़ा सा ये भी दिया, देखिए ये या तो बोलेगा या तो जीरो ही होगा या वन बाई टू होगा या जीरो वन बाई टू होगा। तो यहां पे देखिए बेटा कई क्या है, इसको डायरेक्ट ए करके काम चल देंगे आगे, क्योंकि अपने पास जीरो आया वन बाई टू आया, चेक तो करते ही नहीं है सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि अपने पास ऑप्शन देखिए जीरो भी है वन बाई टू है, कि अलग अलग भी हो सकते हैं, मतलब इन दोनों में से एक हो सकता है सेटिस्फाई ना करे इक्वेशन को, तो इसीलिए ऑप्शन में चालाकी थोड़ा सा कर देता है कई बार क्वेश्चन पूछने वाला, ठीक है। ज्यादा झटके तो देता है जब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना उस टाइम में, ठीक है। सारे ऑप्शन एक जैसे ही लग रहे हैं कि हमारा आंसर तो सही है, वो जीरो वन बाई टू आ रहा था, जीरो वन बाई टू लगा दिया, ठीक है। लेकिन ये भी जरूर चेक करना चाहिए वैलिडिटी ऑफ आंसर, ठीक है। तो देखिए वैलिडिटी ऑफ आंसर हम कैसे चेक करेंगे, क्या हमारा जीरो सेटिस्फाई हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, चेक करो एक बार, ठीक है। तो वन बाई टू को भी चेक कर लेते हैं, कौन सी इक्वेशन थी अपने पास, ये वाली, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देते हैं, अपन पुट कर देते हैं, चलो वन बाई टू को चेक करते हैं इधर इधर। तो साइन इनवर्स वन माइनस एक्स की जगह क्या रख देंगे हम, वन बाई टू पुट कर देते हैं, पहले वन बाई टू को चेक करते हैं, माइनस टू साइन इनवर्स वन बाई टू, ठीक है। तो ये हो गया साइन इनवर्स वन माइनस हाफ, हाफ ही हो जाता है, और टू इंटू साइन इनवर्स वन बाई टू, ठीक है। तो साइन इनवर्स वन बाई टू की वैल्यू क्या होती है, साइन वन बाई टू कब आता है, थर्टी पे, तो फाइव बाई सिक्स माइनस टू इंटू ये पाई बाई सिक्स अगेन, तो टू से ये कट गया थ्री, तो पाई बाई सिक्स माइनस पाई बाई थ्री, ठीक है। तो सिक्स ये हो गया और ये हो जाएगा पाई माइनस टू पाई, मतलब माइनस पाई बाई सिक्स, माइनस पाई बाई सिक्स, लेकिन राइट साइड क्या थी अपने पास, पाई बाई टू थी, विच इज नॉट इक्वल टू पाई बाई टू। देखिए पाई बाई टू नहीं आया, तो इसका मतलब एक्स वन बाई टू तो नहीं है, एक्स वन बाई टू नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं है आंसर, ठीक है, क्योंकि वन बाई टू नहीं है, और ये भी नहीं आएगा, ठीक है, और ये भी नहीं आएगा। जब वन बाई टू को आपने चेक कर दिया वैलिड नहीं है, तो तीन ऑप्शन देखो सीधे कट गए, तो ऑप्शन कौन सा रह गया, सिर्फ सी ऑप्शन रह गया अपने पास, रहा ये नहीं, और सी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है अब तो, ठीक है। वैसे चेक कर सकते हो आप, यहाँ पे जीरो रखेंगे तो साइन इनवर्स वन आ जाएगा, ठीक है भाई, अगर आप चेक करना है तो साइन इनवर्स वन माइनस जीरो वन ही रहेगा, माइनस टू इंटू साइन इनवर्स जीरो, ठीक है। तो साइन इनवर्स वन क्या होता है, पाई बाई टू, अरे साइन नाइन्टी पाई बाई टू पे ही आती है, साइन नाइन्टी पे वन होता है, और यहाँ पे टू इंटू क्या आएगा, साइन इनवर्स जीरो जीरो ही होता है, साइन जीरो जीरो वैल्यू, तो यहाँ पे पाई बाई टू आ तो रहा है, पाई बाई टू आ रहा है ना, ये पाई बाई टू, ठीक है। तो इसका मतलब जीरो तो वैलिड है, और वैसे भी अपने को जीरो को वैलिडिटी चेक करने के लिए जरूरत नहीं थी, वन बाई टू चेक कर लिए बस, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट हो गया, अदरवाइज आप इनवर्स के फॉर्मूले प्रॉपर्टी लगाते बहुत लंबा हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। आप करके देखना अल्टरनेटिव कितना लंबा चौड़ा काम फैलेगा, पहले टू साइन इनवर्स एक्स का लगाओगे, फिर साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, फिर उससे एक क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, फिर आपको सोल्यूशन ढूंढने में दिक्कत आएगी, ठीक है, करके देखना। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन एक और है, 17 क्वेश्चन फट से कर देते हैं और फिर हमारे पास ये चैप्टर खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन तो ज्यादा आसान है, क्या बोलता है, टेन इनवर्स एक्स बाई वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू, इनमें से क्या आएगा, पाई बाई टू पाई बाई थ्री पाई बाई फोर माइनस थ्री पाई बाई फोर। तो इनमें से हम चेक कर देते हैं ए बी सी डी ऑप्शंस जो हैं, तो पहले सॉल्व करते हैं तभी ऑप्शन पता चलेगा, तो स्टार्ट कर देते हैं। देखिए अपने पास सीधा सीधा फॉर्मूला कौन सा लग रहा है यहाँ पे, टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई, ठीक है, तो लगा देते हैं टेन इनवर्स एक्स। देखिए फॉर्मूला साइड में आप जरूर लिखा करो, टेन विथ इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, तो टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई ऊपर हो जाएगा और वन प्लस एक्स वाई नीचे हो जाएगा, ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला रहता है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे करिए, x की जगह x अपॉन y है और y की जगह ये है, तो दिस माइनस दिस,
यानी x by y minus x minus y x plus y divided by 1 plus इन दोनों का product, तो x by y into x minus y x plus y, ठीक है ये, तो आप देखिए इसको इस calculation है और करते हैं इसको क्या बनता है। चलिए ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, y इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला बचेगा, तो x इंटू एक्स प्लस वाई माइनस, अब इससे इसको डिवाइड करेंगे y इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है और यही एलसीएम हमारे पास नीचे आ जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है इधर, तो y इंटू एक्स प्लस वाई माइनस x इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। और देखिए डिनोमिनेटर हमेशा ही कट जाते हैं, ये दोनों सेम रहते हैं, तो अपने पास और सिर्फ यही रह जाती है ऊपर वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है और इधर भी सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। ओहो वेरी गुड, ये तो पूरा ही कट गया अपने पास, ये तो वन आ गया ना, देखिए सेम टर्म हो गई, वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ओहो यहां पे प्लस था, यहां पे प्लस था तो यहां पे प्लस हो जाएगा, यहां पे माइनस, तभी तो ये कट ही गया, यहां से ये कट गया, तो एक्स स्क्वायर चाहे तो आप एक स्टेप लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो दैट इज टेन इनवर्स वन, ठीक है और टेन इनवर्स वन क्या होता है बेटा, सिंपली पाई बाय फोर, टेन 45 आता है, तो पाई बाय फोर कौन सा ऑप्शन था, सी, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ऑप्शन कौन सा है सी, ठीक है बेटा। तो दिस इज मिसलेनियस एक्सरसाइज 2, ठीक है ये हमारा काम कंप्लीट हो गया, चैप्टर ही खत्म हो गया है, ठीक है तो आप अब इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करिए, ठीक है एनसीईआरटी एग्जांपल प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉल्व करिए, ठीक है और फिर हम करते हैं अगला चैप्टर, ठीक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर विद अ न्यू टॉपिक, ओके इन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, ठीक है थैंक यू बाय।